दोस्तों, क्या आप भी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो बनाना चाहते हो कुछ इस तरह का, तो आज की वीडियो पे आप सही आए हो, क्योंकि आज हम बताएंगे कि इस तरह का लोगो कैसे बनाया जाता है। जितना अच्छा लोगो रहेगा उतना आपको सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, और आपके पहचानने के लिए एक लोगो ऐसा होना चाहिए कि पूरा सिंपल हो और पूरा लुकिंग फोटो से बनाया हो। चलिए आज हम पिकसेट से बनाने वाला है लोगो को, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल के एक प्रोफेशनल लोगो बनाने वाले एक फोटो से, चलिए जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पिकसेट को ओपन कर लेना है, और पिकसेट को ओपन कर लेने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, और वेट हो जाने के बाद ही खुल जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर एडिट ए फोटो पे क्लिक करना है, और एक अच्छा सा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है अपने मन मुताबिक। जैसे कि हम कर लेते हैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट, और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे साइड में थोड़ा सा अथी करना है, घसका देना है नीचे से, और इस पर से सेव पे क्लिक करना है, सेव पे, और इस पर से एक इस तरह का गोला आकार का आ जाएगा। आपका जिस तरह का लेना है उस तरह का ले लेना है, और क्योंकि हम इसी तरह का गोल आकार में एक फोटो को बनाने वाले, तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। और इसको लेने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने लोगों के मुताबिक, और इसको सही पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद इस फोटो ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, तो रिमूव जीबी बैकग्राउंड पे बीजी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, और इसका रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, यह ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। थोड़ा सा वेट करना है, और आपका इंटरनेट खुला होना चाहिए, और देख लेना है अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कहाँ से रिमूव नहीं हो। तो ऊपर में एक आइकन है मेट्रो का, उस पर क्लिक करना है, और इसको थोड़ा जूम करके और इसको मिटा देना है, जहाँ से नहीं हुआ है अच्छी तरह से वहाँ से। तो जैसे कि मेरा ये नहीं हुआ है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद सही पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद एडजस्ट कर लेने के बाद हम इसको नीचे से एक हथियार है, इसको भी मिटाने वाले हैं। तो इसको मिटाने के लिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस एडजस्ट कर लेने के बाद इस पर ऊपर में मेटो का ऑप्शन है, तो इस फोटो का नीचे का पार्ट को हम मिटाना है, तो थोड़ा सा जूम करना है, और इसको अपने हिसाब से मिटा देना है देख देख के, क्योंकि गोल आकार के अथी में होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब तक वेट करिए। दोस्तों, तो मेरा बैकग्राउंड मिटा गया, और इसको सही पे क्लिक करेंगे, और यह गोल आकार के अथी में आ गया फ्रेम में, और इसको क्लिक करके और इसमें जोन भी टेक्स्ट लगाना है वह लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगेगा यह लोगो। और यह लोगो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग को अच्छे से समझाए, और इस लोगो को पीछे का बैकग्राउंड को चेंज करना होगा, तो इधर से आके और अपना मन मुताबिक कलर को चेक करके और अपना कलर सेट कर सकते हो। जैसे कि हमको ये वाला चाहिए पीला वाला, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करके सही पे क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद यह लोगो तैयार होके हो गया है। और अगर आपको इस पर नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए इधर थोड़ा सा घसकाएंगे, और इधर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अपने हम चैनल का नाम देना चाहते हैं। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है रोहित सॉफ्टवेयर टिप्स, तो हम इसको मिटा के और इसको बड़े अक्षर में कर लेते हैं आगे का, क्योंकि हम पहले से लिख रखे थे, और इसको सही पे क्लिक कर देना है। और आपको जिस तरह का भी लेना है उस तरह का ले सकते हो, क्योंकि हमको एक ऐसे हमको तो नाम तो नहीं लिखना है, लेकिन अच्छा लगेगा, इसलिए अपने नाम को मुताबिक चेक करके और आपको बताते हैं कि कौन सा अच्छा लगने वाला है। हम इस पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, और यह अपनी डिजाइन बना के हमको दे देगा। सबसे आसान तरीका है यही एक प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए अपने नाम का, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सबसे अच्छा लग रहा है, तब तक वेट करिए। तो दोस्तों, हमको फाइनली ये वाला
हमको टेक्स्ट पसंद आ गया और इसको बैठाने के लिए सबसे पहले इधर घसकाएंगे नीचे से, और इसके बाद बैंड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद अपने फोटो के अनुसार इसको टेढ़ा कर लेंगे जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का। जैसे कि हम कर सकते हैं, नाम लिख देता हूँ, छोड़ो क्योंकि मेरा फोटो में इस तरह का नहीं आ रहा है। चलो हम टी शर्ट पे नाम लिख लिए, और इसको टी शर्ट पे नाम लिखने के बाद इसको थोड़ा सा ही ब्लेंडिंग कर देते हैं, जैसे कि इसका टी शर्ट पे उगना चाहिए, लगना चाहिए कि पूरा रियल में टी शर्ट पे छापा हुआ है। तो मैं इतना सही है, हम इसको क्लिक कर दिए, और इसके बाद इस पर सही पे क्लिक करना है, और उसके बाद यह हमारा लोगो बन के रेडी हो गया है। और अब इसको हम पूरा HD में करना चाहते हैं, तो इसको HD में करने के लिए इधर टूल्स पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उस पर उसके बाद यहाँ AI पे HD पे क्लिक कर देना है, और यह इस तरह का पूरा HD में बना के हमको दे देगा। थोड़ा सा वेट करना है, जिस तरह का आपका इंटरनेट स्पीड होगा उस उतना जल्दी यह करके दे देगा, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद इस तरह का बना के दे रहा है, तो देख सकते हो कि हमको इधर का क्वालिटी देखो, इधर का दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है, तो हमको इधर करना है और इसके अनुसार ही रह देना है, और इसको सही पे क्लिक कर देना है, और यह मेरा HD में बन के रेडी हो गया। और इसको सेव कर लेंगे शेयर पे क्लिक करके, और इसको सेव पे क्लिक करके, और इसको सेव कर लेंगे अपने फोटो को, और यह फाइनली मेरा लोगो बनके रेडी हो गया। आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लोगो बनके रेडी हुआ, और यह मेरा गैलरी में आ चुका है, और यह देखो इस तरह का लोगो बनके रेडी हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत तो लगता है। अगली बार हम इससे भी बेहतर आपको लोगो सिखाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।